वेलकम बैक। ये एरोविला ब्लॉक का एक्सटेंशन है, ये सेम डे है और अभी हम लोग आए हैं सेरेनिटी बीच पे। 10-15 दिन से हम लोग रिसर्च कर रहे थे और फर्स्ट टाइम हमें वो जो बीच पांडिचेरी में जो बीच है उस पे डायरेक्टली हम लोग इतना अंदर तक नहीं गए थे कि बीच एंजॉय नहीं कर पाए थे, पर अभी हम लोग आए हैं सेरेनिटी बीच पे। तो आपको पहले दिखा देता हूँ कि बीच कैसे दिख रहा है। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, आप देखोगे तो ये पीछे पूरा रॉक है, इट इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ से कुछ बोट्स, ये बोट्स भी कुछ खड़े यहाँ पे पार्क की है। तो ऐसा कुछ है, जब मैं बीच पे जाता हूँ मेरे को बहुत ही मज़ा आता है। आई एम वेरी मच एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड रहता हूँ बीच देखता हूँ। तो आई एम मोर टाइप ऑफ अ बीच पर्सन, मुझे माउंटेन्स वगैरह से ज़्यादा बीच में मज़ा आता है। बीच के सामने ही ऐसे कुछ बीच हॉरिजॉन वगैरह ऐसे कुछ होटल्स हैं जहाँ पे बैठ के आप बूज कर सकते हो, मतलब दारू पी सकते हो, खाना खा सकते हो और सी बीच का मज़ा भी ले सकते हो। इवन होटल भी है जहाँ पे आप स्टे की फैसिलिटी भी आप अवेल कर सकते हो। आ गया है यहाँ रॉक के ऊपर आ गया हूँ, अगर आप देखेंगे तो वो मेरे सामने और उसके भी आगे ऐसे रॉक्स जहाँ पे मैं ये जो रॉक्स के ऐसे इन लोगों ने एक बोलते हैं ना पाथवे बना के रखा है हर जगह पे, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे, यानी नहीं बोलोगे तो 200-300 मीटर्स के डिस्टेंस पे इन्होंने बनाया है ये, या ये ऑलरेडी बना हुआ है, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। अगर किसी को पता होगा जो ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए, सो दैट आई कैन गेट अ इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ इट। बाकी तो ये एकदम ही रॉक्स एकदम ही क्लीन है और वो यहाँ से भी ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है। जस्ट चेक आउट दिस व्यू। सो लेट्स गो डाउन, अभी नीचे चलते हैं। लोग यहाँ आके सेल्फी खींच रहे हैं, बहुत अच्छे पिक्चर्स आ रहे हैं। सो नाउ आई एम गोइंग डाउन। ये कुछ सामने, ये मेरे पीछे कुछ फिशरमैन्स के बोट खड़े हैं। आई थिंक फिशिंग अभी बंद है, जून का महीना स्टार्ट हो गया है, रेनी सीजन, और अभी एक साइक्लोन भी आके गया इंडिया में, तो शायद से उसी के वजह से इस बार फिशिंग ज़रा ज़्यादा जल्दी बंद कर दी है। तो नीचे उतरता हूँ। हॉर्स राइडिंग और गो कार्टिंग जैसे कुछ ये चल रही है, एक्टिविटीज़ चल रही है यहाँ पे फ़िलहाल। वो भी अभी बारिश के वजह से बहुत सारी पैरासीलिंग वगैरह भी होगा पर वो सब बंद है। और एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप सर्फिंग सीखना चाहते हो, जैसे ये समंदर की लहरें, लहरों के ऊपर जो पैड जैसा वो ये होता है उस पर खड़े होकर जो सर्फिंग करते हैं, अगर वो सर्फिंग आप सीखना चाहते हो तो वो भी इस बीच पे, सेरेनिटी बीच पे आपको सिखाते हैं। तो इसी के सामने यानी व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा, तो अगर मेरे पास होता है तो मैं भी एक उसका वीडियो में एक ये डालता हूँ, सामने ही है तो वो भी डाल दूँगा। अगर आप सर्फिंग सीखने में इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ आके सीख सकते हो, 7 डेज का कोर्स। पीछे कुछ शैक्स है जो फ़िलहाल अभी बंद है, यहाँ पे खाने पीने का सामान मिलता है।
ये है यहाँ का सर्फिंग स्कूल, मदर ओशन सर्फिंग स्कूल करके, उसका टाइमिंग 6 to 6 है और मोबाइल नंबर भी आपने देख ही लिया होगा, अगर चाहिए तो स्क्रीनशॉट निकल के रख सकते हैं आप। सो उनका वेबसाइट भी है mosss.com, उस पर भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं उनके क्या टर्म्स एंड कंडीशन है और क्या चार्जेस है। सो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एक छोटा सा सेरेनिटी बीच का एक वीडियो बनाया है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब भी मैं कोई ट्रैवलिंग रिलेटेड वीडियो डालूँ तो वो आपको सबसे पहले मिले।